बेटियों ने सड़क पे बच्चों को जन्म दिया। और आज देश का दुर्भाग्य है कि देश के किसान को परेशान करने के लिए, देश के किसान को आंदोलन को कुचलने के लिए देश की सरकार जो रणनीति, जो साजिश और षड्यंत्र रच रही है। राजनाथ सिंह का लापता हो गया, किसान के बेटे बनते थे, खो गए क्या, कहीं गुमशुदा हो गए, रिपोर्ट लिखवा दें उनकी गुमशुदा की तलाश के तौर पर। आज वो किसान का बेटे कहाँ चले गए? आज न्याय भार, जब किसानों के ऊपर इतने बुरा अत्याचार हो रहा है, प्रहार हो रहा है, सरकार का दबदबा है जनाब, ये कुर्सी है। और एक बार जिसको कुर्सी से प्रेम हो जाए ना, उसको तो ना घर दिखता है ना परिवार दिखता है। तो आपको यही बता रहा हूँ, आज कहाँ गए मोहन भागवत, हर बात पे बयान देते थे, आज कहाँ गए? अरे ये तो किसान जो है, जो आप कहते हैं हिंदूवादी सरकार, आज तो ज्यादातर उत्तर प्रदेश का किसान है, हिंदूवादी सरकार बताते हैं ना, संघ का जो किसान विल तो यही तो कह रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी, जवाब क्यों नहीं देते? क्या कुर्सी से आपको प्रेम है, या जो सरकार जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है उसी में आपको खुशी हो रही है, जिस कारण आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? इन लोगों को रद्दी भर फर्क नहीं पड़ता। अब क्योंकि आपको एक बात बताऊं, किसान आंदोलन के दौरान चाहे वो किसान हो चाहे जवान हो, दोनों ही किसान का बेटा था, मजदूर का बेटा था। कोई अमेरिका से बराक ओबामा तो आया नहीं था, या डोनाल्ड ट्रंप तो आया नहीं था कि जो किसान आंदोलन में आया हो या दंगे भड़काने के लिए। जो आए वो दीप सिद्धू भाजपा का कार्यकर्ता था, पूरे देश ने देखा। सनी देओल की जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती है, जिसमें वो दीप सिद्धू को लेकर बयान भी देते हैं और एक और वो लिखते भी हैं ट्विटर पर कि मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, छोटा भाई बता रहे हैं। हाँ, और एक और छोटा भाई भी बताते हैं। तो आप एक बात मुझे बताइए ना, जब तक आप करते रहे तो डांस और दूसरा कर ले तो मुजरा है, देश की जनता को आपने पागल समझ रखा है क्या? ये जेब में एक जूता लेकर, मैं आपको बताऊं, जब इनका कार्यकाल समझ जब समाप्त होगा ना, देश की जनता ऐसे जूता निकाल कर ऐसे पीछे जेब में रखेगी, और जैसी दिखेगा ना भाजपा का कार्यकर्ता, बीजेपी से हो आप, निकाल कर जूता ऐसे लतियाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं ना, अभी अमेरिका में कैसे लतियाया था इन्हें, लेकिन इलेक्शन के वक्त अरे भैया सुनिए सुनिए, ये वो लातों के भूत हैं जो बातों से समझते ही नहीं है। हमारे में अगर आप देहाती में कहें तो एक कहावत है कि चाहे कुत्ते की पूंछ को 12 साल पाइप में रख लो, रहेगी वो टेढ़ी की टेढ़ी। ये उससे भी बदतर है, साला देश का साइंटिस्ट रिसर्च करके उस कुत्ते की पूंछ को भी सीधा कर सकता है, लेकिन ये इतने निकट्टू हैं, इतने निकम्मे कि ये सीधे नहीं होने वाले। ये तो वैक्सीन बना दिया साइंटिस्ट है, मल्टीविटामिन है। मोदी जी तो पता नहीं क्या क्या बना देंगे, समझ रहे हैं? मोदी जी ने लगवाई वो वैक्सीन। देंगे आप, सुनिए मोदी जी की कहाँ सुनोगे आप, ये सुनिए। मोदी जी कहते हैं मैंने देश हित में घरवाली को छोड़ दिया। आपकी शादी हुई है? आपकी शादी हो गई ना, आप देश से प्यार करते हैं? नहीं करते? करते हैं। तो आपने अपनी घरवाली को क्यों नहीं छोड़ा? आपको प्रेम नहीं है क्या देश से? आपको प्रेम नहीं है देश से, या तो मना कर दो है। और अगर देश से प्रेम है तो भैया आप भी देश हित में छोड़िए ना घरवाली को, अरे छोड़ दीजिए घरवालियों को सड़क पर। अरे जो आदमी ने जिसकी मांग भरी उसकी मांग नहीं पूरी कर रहा, वो आज तक आपकी हमारी कहाँ से करेगा? वो बहन जसोदा जो भरी जवानी घूट घूट के मर रही है, ना सुहागन रही ना विधवा, समझ रहे? तो वो आदमी ने देश की क्या स्थिति बना दी? एक आदमी कितनी मेहनत करे, एक आदमी वो आदमी जो एक ऐसी वित्त मंत्री तराश के लाता है, जो कहती है अगर लहसुन प्याज के दाम बढ़ जाएं तो वो कहती है मैं तो लहसुन और प्याज ही नहीं खाती। आप ये समझ लीजिए वो लहसुन प्याज नहीं खाती। अरे कल को कपड़े का दाम बढ़ेगा तो क्या कपड़े को लेकर आप कहेंगी कि हम तो जी कपड़े ही नहीं पहनते, क्या कर लेंगे आप? तो ये सब बातें आप देश के लोगों से नहीं कह सकते। दूसरी ओर इनकी और इनके में बहुत सारे हैं, ये सारे कलाकार हैं एक से बढ़कर एक। एक ऐसा कलाकार है वो मनोज तिवारी, जो एक अंडे के पीछे, आपने देखा बिग बॉस में चीचे लदर करता है, खूब लड़ता है एक अंडे के पीछे। वो नाचने गाने के लिए एक शिक्षिका उससे कहते हैं कि मनोज जी गाना गा के दिखा दीजिए। हमारे क्षेत्र की तरफ क्या हुआ, मनोज जी एक बार आ गए तो क्षेत्र की महिलाएं कहती हैं अरे देखो रे वो रिंकिया के पापा आ गए, वो देख रिंकिया के पापा आ गए। तो मनोज जी आज आप कहाँ हैं? और मैं तो कह रहा हूँ इनके पास सारे कलाकार हैं। ये कलाकारों की टोली अगर कोई कॉमेडी शो शुरू कर लेना तो कपिल शर्मा का कॉमेडी शो भी फेल है इनके आगे। ये सारे कलाकार हैं एक से बढ़कर एक हैं। एक और शेख सिल्ली था, आप शेख सिल्ली को सुन लो या मोदी जी को सुन लो, दोनों एक से बढ़कर एक हैं। शेख सिल्ली भी छोटा है इनके आगे, समझ रहे हो? जहाँ जहाँ आंदोलन हो, सुनिए मेरी बात। शेख सिल्ली अगर एक और कहती है, किसान अगर इनसे मोदी जी से एक बार कह देना कि जी बारिश नहीं हो रही, अगर मोदी जी से एक बार देश का किसान कह दे जी कि खेत में बारिश नहीं हो रही हमारे, तो मोदी जी कहेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस बार वोट दे दो,
मेरे पास ऐसा बांस है कि ऊपर एक बार आसमान में करूंगा तो बारिश हो जाएगी। दूसरी ओर शेख सिल्ली कहता है, अरे रखता तो मेरी खोर के अंदर ही है, समझ रहे हो। तो ये दोनों एक जैसे ही हैं, या तो मोदी जी को सुन लो या शेख सिल्ली को सुन लो। मोदी जी इतने झूठ बोलते हैं कि एक झूठ के बाद तुरंत दूसरा झूठ। आप ये देखो, वो आदमी जो कहता मैंने सड़क पे चल रहा था, मैंने देखा कि सड़क में नाली में गैस बन रही है, मैंने वही पाइप लगाया और उसी नाली की गैस से चाय बनाना शुरू कर दिया। अबे जब तू नाली से गैस निकाल रहा है तो सिलेंडर पे काहे के दाम बढ़ा रहा है, ये बताना। सारे देश में नालियां ही बनवा दे जब इतनी गैस उसमें बन रही है। यहाँ लोगों के, आप एक बात बताइए, आप ऐसी बात कर रहे हैं, अगर देश के अंदर मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, जो आप स्वच्छता अभियान की बात कर रहे हैं, इतनी नालियां हैं, अगर नालियों से गैस बनने लग गई ना तो आप ये समझिए सिलेंडर के दाम, पता है सिलेंडर ऐसे मिलेगा कूड़े के दाम में 10 रुपए 15 रुपए, ऐसे समझ लो एक्सपोर्ट करना पड़ जाएगा। ऐसी उटपटांग बातें बताते हैं। फिर कभी गणित को लेकर कह देंगे, आपके पास वो 2 भी एक्स्ट्रा आया ना। अबे भैया मोदी जी, जैसे आपकी दाढ़ी बढ़े जा रही है ना, ठीक उसी प्रकार देश में मंदी, महंगाई और बेरोजगारी बढ़े जा रही है। आप दाढ़ी बढ़ाकर क्या दिखाना चाह रहे हैं देश की जनता को? दाढ़ी बढ़ाने के पैसे नहीं है तो ले लीजिए देश की जनता से, वैसे आपने कंगाल तो कर ही दिया है। आप ये बात समझिए, बंगाल इलेक्शन की वजह से बढ़ रही है। अरे बंगाल इलेक्शन क्या, रविंद्रनाथ टैगोर बनना चाह रहे हैं क्या ये है? अरे भैया एक काम आप करिए, मोदी ऐसा है, मेकअप का खर्चा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं सीधे तौर पे, दाढ़ी इनकी इसीलिए बढ़ रही है मोदी जी, ये इनके विचार जो हैं वो आसाराम राम रहीम, समझ रहे हैं, ये सब उन्हीं के दौर के सब है। अभी थोड़े दिन में मोदी जी, आपने देखा होगा, ये वो रामायण को मानने वाले लोग हैं जिन्हें रामायण का रानी पता, रिटायरमेंट की तैयारी तो नहीं है। ये पूरे देश को रिटायर पे ला दिया, पूरा देश किसी को, आप ये समझिए किसी को कोई बीमारी हो रही है, किसी को कोई बीमारी हो रही है, इन्हें तो खांसी और जुखाम भी नहीं होता, समझ रहे हैं। पूरा देश बीमारी से ग्रस्त हो जाता है लेकिन इन्हें खांसी और जुखाम भी नहीं होता। तो ये तो पूरे देश को बीमार करने में लगे हैं, पूरे देश को रिटायर कर दिया इन लोगों ने। प्रधानमंत्री जी आप इस बात को समझिए, देश को छोड़िए आप, मैं आपको बताता हूँ, अपने आप मेकअप को छोड़िए, सब कुछ छोड़िए, आप देश की ओर ध्यान दीजिए और सोचिए देश के किसान की स्थिति कैसे बेहतर की जाए। ये देश का किसान जो है सड़क पे बैठा हुआ है, ये हमारे देश से ज्यादा विदेश के अंदर हमारे देश की किरकिरी हो रही है। 26 जनवरी जो कि देश का 72वां गणतंत्र दिवस था, उस 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे देश के किसान अगर शांतिपूर्ण तौर से मार्च करते और उनको कहीं भी बैरिकेड नहीं मिलते, ठीक है, तो वो सीधे तौर पे जाते और वापस घूम के आ जाते, खत्म हो जाता ना ये मामला शांतिपूर्ण तरीके से। तो आपने जगह जगह बैरिकेड, बुलडोजर और बसेस क्यों खड़ी करवाई? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मंशा थी कि देश के अंदर दंगे हों, आप चाहते हैं कि देश में दंगे हों। आप एक बात मुझे बताइए, आप अगर एक सर्वे देखे ना, किसी भी सर्वे को आप कर देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के बच्चे को अगर आप कभी भी देख लें, किसी भी आंदोलन के दौरान, आरएसएस में कभी भी आपको कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं दिखाई देगा। क्या इनके बच्चे नहीं है? स्मृति ईरानी के बच्चे नहीं है, अमित शाह का बेटा नहीं है? अमित शाह का बेटा कितनी बार गया है बजरंग दल में, जय शाह कितनी बार गया है आरएसएस में, कितनी बार गया शरद की हिफाजत करने के लिए, लेकिन फिर भी बन गया ना बीसीसीआई में सचिव। तो देश की गरीब जनता को मरने के लिए सड़क पे छोड़ा जाता है और अपने बच्चों को अय्याशी का जीवन काटने के लिए विदेशों में छोड़ा जाता है, जो बात देश की जनता को समझनी है। जो सीए के मामले में जिस तरह से देखने में आया था कि सड़कों पर इनके कुछ लोग आए थे और कह रहे थे कि हम सड़क खाली करवाएंगे, उसी तरह से 2 दिन से नजारा देखा जा रहा है। कल यहाँ पर पहुंचे, आज सिंगू बॉर्डर पर लाठीचार्ज हो गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, आरएसएस का काफी लोग 200-300 लोग वहां पर पहुंचे सड़क खाली कराने के। देखिए ये निश्चित तौर पर गलत है, और वो जो आरएसएस के लोग हैं वो भी देखिए, हम तो सीधे तौर पर कहते हैं क्योंकि हम इस देश के अंदर अमन चैन और शांति चाहते हैं, हम इस देश के अंदर कभी भी दंगे नहीं चाहते। हम ये जानते हैं कि वो जो आरएसएस के अंदर हैं वो भी हमारे भाई हैं, बस बेशर्त ये है कि उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट कर दिया, समझ रहे हैं, वो राह से भट चुके हैं। आप लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कीजिए, एवरीथिंग पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट कीजिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन आप देश के किसान को समर्थन तो दीजिए। आप ये देखिए कि अगर किसी भी समाज की भावना को, अगर वो, मैं भी हिंदू हूँ, अगर किसी हिंदू के साथ गलत होता है तो मुझे भी दुख है, मुस्लिम के साथ होता है तो भी मुझे दुख है, सिख के साथ होता है तो भी मुझे दुख है, ईसाई के साथ होता है तो भी दुख है, लेकिन आज जो किसान है वो जाति धर्म से ऊपर उठकर है, ये हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, ब्राह्मण भी है, शूद्र भी है, वैश्य भी है, दलित भी है, आदिवासी भी है, सभी जाति का है।
तो आप ये सोचिए कि ये आपके भाई सड़क पर है, और अगर आपके भाई को चोट पहुंचेगी तो दर्द आपके पिता को ही होगा, और आपके पिताजी को अगर दर्द होगा तो आपको दर्द होगा, तो आप अपने भाइयों को क्यों क्षति पहुंचाने का काम कर रहे हैं? इन भाइयों से आप बात करिए, वार्ता करिए, और अगर आपको लगता है, ये मैसेज देश के तमाम आरएसएस के लोगों के लिए, कि अगर आपको लगता है कि आप अपनी जगह सही हैं, तो आपका भी मोस्ट वेलकम है। आप आइए, और देश के किसान के जो बड़े संगठन के लोग हैं, जो किसान आपने देखा मीटिंग में बैठते हैं, उनसे एक बार मुलाकात करिए और उन्हें बताइए कि देखिए जी, ये इस तरीके से किसानों का समाधान निकल सकता है, किसानों की स्थिति और बेहतर होगी, तो आपका भी स्वागत है। तो आप लोग अगर दंगे भड़काएंगे तो मेरे भाई चोट पहुंचेगी, तो ये आपके पिता समान है, ये आपके पिता समान है, ये आपके दादा समान है। अगर इन लोगों को चोट पहुंचेगी तो भारत माँ को चोट पहुंचेगी, भारत माँ के तिरंगे को चोट पहुंचेगी। और अगर हमारे देश के अंदर आपका आरएसएस का झंडा जो है, वो आरएसएस का झंडा भी तब लहरेगा जब ये राष्ट्र रहेगा। ये राष्ट्र सर्वप्रथम है, हमें और आपको दोनों को मिलकर इस राष्ट्र के प्रति समर्पित होना है, और हमें और आपको दोनों को मिलकर ये मैसेज देश की सरकार को देना है कि हम और आप कैसे इन देश के किसानों को हटाएं और इनकी मांग को पूरी कर इन्हें खेत में पहुंचाएं, ताकि आप और हम आरएसएस के लोग और हम लोग एक होकर कैसे चाइना को इस देश से भगाएं। लेकिन आप लोग अगर हमारे देश के लोगों को चोट पहुंचाएंगे तो ये क्षति हमारे देश की है, मेरे भाई, ये हमारे देश की क्षति है और बदनामी हमारे देश की है। अगर रक्त बहेगा तो सोच के देखिए, ये भी हिंदू है, ये भी मुस्लिम है, ये भी सिख है, ये भी ईसाई है, और ये भी आरएसएस में जाते थे, ये भी हर जगह जाते हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भी धर्म को मानते हैं, और जितना मैंने रामायण को पढ़ा है, गीता को पढ़ा है, कुरान को पढ़ा है, बाइबिल को पढ़ा है, कोई धर्म मेरे भाई ये नहीं सिखाता कि रक्त को बहाया जाए। अरे हमारा रक्त अगर हमारे देश के काम आए तो वो सर्वोपरि है, और ये राष्ट्र सर्वोपरि है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अपने भाइयों का रक्त ना बहाएं और इन्हें समझाने का प्रयास करें, और इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए किस तरीके से किसानों की मांग पूरी हो, इस पे बात और बहस की जाए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।